उसके अलावा अगर कुछ है तो वह आज मेरा कवर हो जाए ठीक है तो सबसे पहले लेट अस सी द डेफिनेशन द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज इंडेक्स एंड इंडिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिसेस इज द प्लूर फॉर्म ऑफ इंडेक्स

बेसिस अगर सेम है तो पावर्स आर इक्वल पावर्स अगर सेम है तो बेसिस पावर शिफ्ट होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर्स का साइन चेंज करना होता है तो अंदर नंबर का जो बेस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है लॉट ऑफ थिंग्स सो इन द एक्सप्रेशन एक्स टू पावर फाइव एक्स इज नोन एज द बेस एंड फाइव इज नोन एज द इंडेक्स देर आर टू एग्जाम्पल्स टू क्यूब मींस टू इज मल्टीप्लाइड विद टाइम्स टू स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर विच बिकम्स सो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड क्योंकि टू स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बिकम टू टू द पावर फोर सिक्सटीन Or else two square is 4 square, which is sixteen. Theek hai na? Hum log ne dono chode -chode example analyze curlia. We are not in the first class of indices. We are not in the first class of indices. We are in the third class of indices. Correct? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.25 टू द पावर 5 सिंपली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन गेट इट सिंपली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मेरे को आ जाएगा 1.25 को मल्टीप्लाई करना है पांच बार 1.25 को मल्टीप्लाई करना है पांच बार 1.25 को मल्टीप्लाई करना है पांच बार ठीक है सेम विथ क्वेश्चन नंबर टू टू पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करना है पांच बार गेट द आंसर क्वेश्चन नंबर वन और टू में कोई फर्क ही नहीं है दोनों सेम टाइप के प्रॉब्लम है दोनों सेम टाइप के प्रॉब्लम है चेक करके बताइए आपका भी आंसर वही आ रहा है क्या टू पॉइंट फाइव multiplied विथ itself फाइव टाइम्स दिस विल कम to 97.65625, सेवन 97 पॉइंट को अगर हम लोग पांच बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज बिकमिंग 97.6525 सेवन पॉइंट सिक्स फाइव टू फाइव तो पहले वाले का भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 1.25 को अगर पांच बार मल्टीप्लाई कर रहे तो इट इज थ्री पॉइंट जीरो फाइव वन सेवन फाइव राइट ठीक है रूट ऑफ अ नंबर क्या बोल रहा है अगर वन बाई एन है आपके पावर में इसका मतलब बोला जाता है एनेथ रूट इसका मतलब बोला जाता है एनेथ रूट स्क्वायर रूट का मतलब हो गया पावर में हाफ पावर में वन बाई फोर अगर तीन बार स्क्वायर रूट करना है तो पावर में वन बाई एट वन बाई टू टू द पावर एन अगर है तो एन टाइम्स स्क्वायर रूट करने से आंसर आ जाएगा अगर मेरा पावर में वन बाई टू टू द पावर एन है तो एन टाइम्स स्क्वायर रूट करने से मेरा आंसर आ जाएगा एन टाइम स्क्वायर रूट करने से मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर हम लोग और एक चीज क्या कर रहे हैं कि अगर पावर्स मेरा शिफ्ट ले रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ऑन द दर साइड इस साइड में एन था उस साइड गया तो वन बाई एन हो गया ठीक है नाउ द बेसिक रूल ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है कि अगर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स एड बेस अगर आपका सेम है और डिवाइड है तो पावर्स माइनस इसका मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा इसका मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा इसका भी सेम ये डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में है अब अगर पावर्स अलोंग विथ बेस ऊपर नीचे कर रहा है तो साइन चेंज होगा ऊपर नीचे का मतलब होता है ऑन द सेम साइड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर ऑन द सेम साइड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर ऑन द सेम साइड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर ठीक है चलिए ये वाला ऑलरेडी डन है हम लोग का anything raised to the power 0 is 1 anything raised to the power 0 is 1 जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि अगर बेसिस आर सेम तो पावर्स विल बी इक्वल और अगर पावर्स आर सेम तो बेसिस विल बी इक्वल ये अपने को ध्यान में रखना है तो एक वापस से रिकेप्टुलेट हो गया थोड़े से ही टाइम में hardly it took us 8 to 9 minutes to recapitulate the entire provision basic provisions of indices 13 cube agar hai to 13 into 13 into 13 we have to check the answer by ourselves we have to check the answer by ourselves किसी भी के आंसर पे भरोसा नहीं रखना है अपने सॉल्व करेंगे जो आएगा अपने वही मानेंगे तो थर्टीन का मेरे को क्यूब निकालना है राइट right आंसर वैसे भी मैं बताऊं अगर आपको तो आपको वन से ट्वेंटी का क्यूब और वन से फिफ्टी का स्क्वायर तो याद होना चाहिए एंड वो करते करते याद हो जाता है But try to memorize cubes and square of one say twenty one say fifty because it helps us in faster calculation. it helps us in faster calculation. it helps us in faster calculation a to the power x equals to a by k to the power y equals to k to the power m. हमको प्रूफ करना है कि वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल्स टू वन बाई एम तो हम फर्स्ट टू पार्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे सम हमको ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई बाई के टू द पावर वाई ठीक है ये आ रहा है मेरा और एट द पावर एक्स बाई एट द पावर वाई इक्वल्स टू के टू द पावर वाई और एट द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के टू द पावर वाई फर्स्ट टू पार्ट से मेरा ये आ रहा है अब अगर हम फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट को ले तो ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू के टू द पावर एम और ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वन बाई एम इक्वल्स टू के ना और ए टू द पावर एक्स बाई एम टू पावर वाई इक्वल्स टू के टू द पावर वाई मैंने दोनों साइड को जैसे अपने बोलते तो मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो अब यहां पर भी के टू द पावर वाई है ना और यहां पर भी के टू द पावर वाई है दोनों को इक्वेट कर दो ए टू दावर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स वाई बाई एम अब दोनों साइड का बेस बराबर है दोनों साइड का बेस बराबर है तो पावर शुड बी इक्वल पावर शुड बी इक्वल अब आप एक्स वाई को नीचे ले आइए अगला स्टेप में अगर आप अलग अलग करेंगे तो मेरा आ रहा है वन बाई वाई माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन बाई एम यहां एक्स माइनस वाई आया था यहां एक्स वाई बाई एम आया एक्स वाई को नीचे ले गए तो मेरा प्रूफ आ गया यहाँ पर ये लोग का कुछ कैलकुलेशन एरर है यही आएगा आपका या हमारा भी कुछ कैलकुलेशन एरर हम लोग का भी कैलकुलेशन एरर हुआ है ये एक्चुअली में वाई माइनस एक्स होना चाहिए हम लोग इसको के टू द वाई लेने ना ये के टू दावर माइनस वाई होगा के टू द पावर माइनस वाई होगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वन बाई एम अब हम लोग इसको माइनस साइन कॉमन लेकर के करेंगे तो वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल्स टू वन बाई एम ये आंसर हो गया मेरा क्लियर है यहां तक ठीक है ये एक्चुअली वन बाई के टू दर वाई है ना ऊपर जाएगा तो के टू दाइनस वाई बन जाएगा हम लोग का बच रहा है k y, जाएगा तो आएगा के टू द पावर माइनस वाई ठीक है ना नेक्स्ट एक्स बाई वाईक्वल्स टू जेड बाई डब्लू दिया हुआ है हमको शो करना है एक्स टू पावर एम प्लस वाई टू द पावर एम प्लस जेड टू द पावर एम प्लस डब्ल्यू टू द पावर एम होल डिवाइडेड बाई सब का पावर में माइनस इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू होल टू द पावर एम बाई टू तो हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वल्स टू के लेके कर ले रहे हैं गिवेन कंडीशन को पहले के ले रहे गिवन कंडीशंस कंडीशन को हम लोग पहले के ले ले रहे हैं तो वहां से मेरा एक्स और जेड का वैल्यू आ रहा है वहां से मेरा एक्स और जेड का वैल्यू आ रहा है एंड देन वी आर इन दिस स्टेप रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड इन दल एच एस ऑफ द रिकवायर्ड प्रूफ वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जेड ठीक है अब हम देख रहे हैं यहां पर कि मेरा वाई टू द पावर एम और डब्ल्यू टू द पावर एम कॉमन आ रहा है मतलब इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स It is getting converted to a product of two numbers. This is getting converted to product of two numbers. This is getting converted to product of two numbers. This is getting converted to product of two numbers. And after taking LCM, after taking LCM, we found that we are left with this expression only. We found that. वी आर लेफ्ट विथ दिस एक्सप्रेशन ओनली बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि यहां पर आप एल्शियम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहां एल्सियम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बच रहा है डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर तो मान लीजिए अगर ऊपर में a प्लस बी है वन प्लस सी है नीचे भी a प्लस बी वन प्लस सी इसके नीचे आ रहा है ए बी इसके नीचे आ रहा है सी तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा एबीसी बचेगा खाली क्या बचेगा खाली एबीसी बचेगा वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली abc we will वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली will be left वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली बट अभी भी मेरा प्रूफ नहीं आया है मेरा प्रूफ में है एक्स वाई जेड डब्ल्यू होल्ड टू द पावर एम बाई टू अभी मेरा क्या आया के टू द पावर एम आया है वाई आया डब्लू आया है ठीक है. है अच्छा अब इस स्टेप में भी इन द आरएचएस ऑल्सो इन द आर एच एस ऑल्सो नाउ वी विल रिप्लेस The values of in the RHS also we will replace the values of. We will replace the values of x and z, and after replacing, after replacing, we are seeing that LHS is equals to RHS. Hence proved.

LHS को अलग से सिंपलीफाई करना पड़ता है आर को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ता है दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन आता है हेंस प्रूफ ठीक है दिस वॉज अ गुड सम का थोड़ा सा ब्रेन इंप्लीमेंट हुआ इस टाइम के सबको हम लोगों को लो क्या करना है हमेशा हम लोग ब्रेक कर देंगे प्राइम नंबर्स में ब्रेक इनटू प्राइम नंबर्स

एक जैसे प्राइम नंबर को एक जगह करना है टू को एक जगह कर लिया थ्री को एक जगह कर लिया एंड देन यू विल सी दैट वी आर गेटिंग द आंसर एंड देन यू विल सी दैट वी आर गेटिंग द आंसर देन यू विल सी दैट वी आर गेटिंग द आंसर देन यू विल सी दैट टिंग द आंसर कैसे देखते मैं बताता हूं आपको पहला बात तो सिक्स को ये लोग ब्रेक किया है टू इंटू थ्री में ये वाला स्टेप आप करिए सिक्स को ये लोग ब्रेक किया है टू इंटू थ्री में सिक्स को ये लोग ब्रेक किया है टू इंटू थ्री में ठीक है ब्रेक इन टू प्राइम नंबर्स ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन पावर ऑफ ए पावर फिर सारे एक जैसे प्राइम नंबर को एक जगह कर दिया अब इस स्टेप में हुआ क्या ये समझना पड़ेगा हम लोग को यहां बहुत बच्चे गलती कर देते हैं तो टू टू द पावर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री टू द पावर एक्स माइनस फोर को नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा रहा है टू टू द पावर एक्स माइनस फोर बाई थ्री टू द पावर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू वन बच्चा लोग जीरो लिख देता है ठीक ना तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको टू बाई थ्री टू द पावर एक्स माइनस फोर लिख ले रहे हैं अगला स्टेप में क्या होगा टू बाई थ्री टू द पावर एक्स बाई टू बाई थ्री टू द पावर फोर मैंने पहले क्लास में ही बोला था ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल वाई से वर्षा ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल वाई से वर्षा ऑल द लॉज लॉजिकेबल वाई से वर्षा तो यहां पर भी वही हुआ अभी तक क्या सीख रहे थे हम लोग डिवाइड में है सेम बेस है तो माइनस कर दे रहे थे अभी हम लोग रिवर्स किए ऑलरेडी पावर में माइनस है उसको नीचे लेकर आए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा ये लोग ने स्टेप जम्प किया है So, since my base is same, powers will be equal. Since my base is same, powers will be equal. Since my base is same, powers will be equal. है ना सिंस माई बेस इज सेम पावर विल भी इक्वल अगर नेक्स्ट वाला सम देखेंगे आप लोग अगर नेक्स्ट वाला सम देखेंगे आप लोग तो बेस तीनों एक्सप्रेशन में बेस सेम है तो मैंने कहा था कि अगर इनटू है तो प्लस कर दो डिवाइड में है तो माइनस कर दो ये जो डिवाइड में है तो माइनस कर दो को एक और तरीके से मैंने समझाया था नीचे वाला पावर जब ऊपर जाएगा अपना साइन चेंज कर लेगा जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा तो आइए चलिए इस सम का सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या हुआ एम प्लस टू एन प्लस थ्री एम माइनस एट एन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो तो आपस में प्लस हो गया अब नीचे था फाइव एम ऊपर गया तो माइनस फाइव एन बन गया नीचे वाला जब ऊपर जाएगा पावर तो अपना साइन चेंज कर लेगा जिसके पहले प्लस था वो माइनस बन जाएगा और जिसके पहले माइनस था वो प्लस बन जाएगा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग द बेसिक्स पहला बात तो जो कंट्रोल होता है सब्जेक्ट में वो इंक्रीज होगा दूसरा टाइम मैनेजमेंट और तीसरा विच इज फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन सिली मिस्टेक्स रिडक्शन इन सिली मिस्टेक्स रिडक्शन इन सिली मिस्टेक्स कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट इंक्रीजेस टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है हमारा एंड जो सिली मिस्टेक्स होते हैं हमारे उनमें बहुत रिडक्शन होता है ऐसा हो सकता है कि आपका कोर लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट्स फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग है आपके आपको ये समझ में आ गया बट फिर भी आपका आंसर गलत आ रहा है बिकॉज यू आर वीक इन इंडिसेस ये सब बेस है ऑल दिस आर द बेस ऑफ मैथ्स नेक्स्ट आप अगर गौर से देखेंगे सिक्स है टू है थ्री है एट है ट्वेंटी फोर है हा या ना एंड देर इज ऑल्सो अ रिलेशन एक्स वाई इक्वल्स टू टू देर इज ऑल्सो अ रिलेशन एक्स वाई इक्वल्स टू टू तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए यहां से यहां आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये तो क्वेश्चन ही है दिस इज द क्वेश्चन इट सेल्फ सिक्स को ये लोग ब्रेक किया टू इंटू थ्री में चलिए हम लोग समझते हैं सिक्स को ब्रेक किया इसमें एट को ये लोग ब्रेक नहीं किया अभी तक एट को ये लोग ब्रेक नहीं किया फिर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला कॉन्सेप्ट पहला स्टेप में तो यही किया है सिर्फ सिक्स को लिखा है टू इंटू थ्री और सेकेंड स्टेप में भी इसी का वो किया है ब्रेकअप दिखाया है इसका थर्ड स्टेप में दे हैव ओपेंड द ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया है उसके बाद टू वाले को एक जगह रखा है थ्री वाले को एक जगह रखा है बेसिकली सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई करते करते उसको रेड्यूस किया है उसको रेड्यूस किया है अब यहां से मेरा एक इक्वेशन एक आ रहा है एक इक्वेशन एक आ गया मेरा एक्स वाई इक्वल्स टू टू मैं दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा मैं दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा जब वो लोग ने एट को नहीं ब्रेक किया था तभी इट वाज वेरी क्लियर कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड कॉमन फैक्टर आर ट्राइंग टू फाइंड कॉमन फैक्टर एंड थोड़ा सा दिमाग लगाइए एक जगह ट्वेंटी फोर है एक जगह एट है तो कुछ तो कनेक्शन बनता है दया दिमाग के दरवाजे को खोलो एंड दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू पुट इन मोर एंड मोर एफर्ट्स इन द बेसिक्स सो दैट एंड वी आर ट्राइंग रेफरिंग डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स फॉर इट बिकॉज किसी भी एक मटीरियल में इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो सकता या उतना प्रैक्टिस सम्स नहीं हो सकता एंड द मोर यू प्रैक्टिस आई टोल्ड यू अबाउट द्री ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड रिडक्शन इन सिली मिस्टेक्स याफ्टर ऑल द्स आर बींग डन We get the value of x and y with the help of middle term factorization. With the help of middle term factorization, or rather, you can say solving the quadratic equations. Solving the quadratic equation. सोलविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन ऑल्सो यूज श्रीधर आचार्य किसी को याद है श्रीधर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू एक्वल्स टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू एक्वल्स टू रूट ऑफ द इक्वेशन एंड इसको कंपेयर कैसे करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो अगर इस सब में देखेंगे तो इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो तो ए का वैल्यू हो गया वन बी हो गया माइनस थ्री सी हो गया टू दिस इज श्रीधर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए एक बात मैं बता दू कि इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को वी ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन वी ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी ट्राई टू एनालाइज Nature of the roots of the equation. With the help of discriminant, we try to analyze nature of the roots of the equation. Okay? Now, the next illustration is nothing but analyzing what is Bodmas all about. The next question.

लास्ट में होता है बॉक्स ब्रैकेट तो सबसे पहले आपके हिसाब से क्या सॉल्व करना है मेरे को यहां पर सबसे पहले आपके हिसाब से क्या सॉल्व किया जा सकता है ये वन माइनस एक्स क्यूब होल्ड टू द पावर माइनस वन सबसे पहले तो हम वही सॉल्व करेंगे सबसे पहले मेरा जो पहला स्टेप होगा वन माइनस रूट ओवर वन माइनस वन बाई वन माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट में माइनस वन होल्ड टू द पावर माइनस वन बाई थ्री दिस इज माई फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में मैं फ्लावर ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई करूं फ्लावर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके आ रहा है वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन बाई वन माइनस एक्स क्यूब ठीक है उसके बाद जब तक ब्रैकेट पूरा सॉल्व होगा आप देख रहे हैं ऊपर में बच रहा है माइनस एक्स क्यूब और नीचे बच रहा है वन माइनस एक्स क्यूब और पावर में है माइनस वन पावर में है माइनस वन तो अगर माइनस साइन हटेगा तो नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा इटव एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वन अब a बाई बी टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू बी बाई ए ए बाई बी टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू बी बाई ए मेरा क्या बच रहा है वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर माइनस वन बाई थ्री तो अल्टीमेटली मेरा बच रहा है वन बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर माइनस वन बाई थ्री तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन बाई थ्री इक्वल्स टू एक्स पावर में से माइनस हटाने से रेसिप्रोकल हो जाता है बेस पावर का साइन चेंज करने से बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है 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 okay this similar sum we have done in class 2 similar sums was done in class 2 cubing both the sides and getting the answer cubing both the sides and getting the answer as we have promised to share the pdf of each and every class so you can definitely refer the link for the pdf and solve it later on this also was done with the example of 5.678 whole to the power x equals to 0 0.5678 whole to the power y equals to 1000 similar sums was done in instead of z इंस्टेड ऑफ जेड हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें थ्री था क्योंकि वन थाउजेंड का मतलब क्या होता है टेन क्यूब और यहां पर टेन टू द पावर जेड है इंस्टेड ऑफ जेड वी टेकन टेन क्यूब वी हैव टेकन टेन क्यूब ठीक है यूज The method used in the class two of indices. Use the method used in the class two of indices. Now, this is supposed to be a इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच वी नीड टू एनालाइज दैट वॉट न्यू इन दिस ठीक है सो so, यहां पर ना पावर में वन बाई फोर है जब पावर में वन बाई थ्री होता है तो आप क्यूब करते हो और जब पावर में वन बाई फोर है तो यू हैव टू तो स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो हमने x को भी स्क्वायर कर लिया y को भी स्क्वायर कर लिया तो मेरा x एंड y का आंसर आ गया मेरा x स्क्वायर का आंसर आ गया थ्री टू द पावर हाफ प्लस थ्री टू द पावर माइनस हाफ प्लस टू और y स्क्वायर मेरा आ गया थ्री टू द पावर हाफ प्लस थ्री टू द पावर माइनस हाफ माइनस टू अब मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज टू ब्रैकेट में थ्री टू द पावर हाफ प्लस थ्री टू द पावर माइनस हाफ क्योंकि प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा प्लस टू माइनस टू कैंसल हो जाएगा ना आई हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ दिस

ब्रैकेट में थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस टू एल्सियम विल बी थ्री सो नाइन प्लस वन प्लस सिक्स होल इंटू फोर विच इज सपोज टू बी सिक्सटी फोर बाई थ्री तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है वैल्यू आ रहा है सिक्सटी फोर बाई थ्री और मेरे को निकालना है थ्री इंटू दिस तो डन ना अगर मैं थ्री इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कर रहा हूं मतलब मेरे को थ्री को मल्टीप्लाई करना होगा सिक्सटी फोर बाई थ्री से थ्री थ्री कैंसिल होकर के सिक्सटी फोर आ जाएगा थ्री थ्री कैंसिल होकर के सिक्सटी फोर आ जाएगा मतलब पूरे सम में पूरे सम में नीड टू नो अबाउट दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट ए टू पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू वन क्योंकि ए टू द पावर एम माइनस एम इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ए टू द पावर एम ए टू द पावर माइनस एम इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ए टू द पावर एम जो सब देखने में जितना भयानक लगता है उसका सोल्यूशन उतना ही ईजी होता है उसका सोल्यूशन उतना ही ईजी होता है देख के अजीब सा लग रहा होगा आपको आपको ए स्क्वायर इंटू बी टू दावर माइनस वन सी टू द पावर माइनस वन बट जब मैं next step लिखूंगा तो आपको लगेगा कि एकदम क्लियर है ये इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर में ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू एक्स के पावर में बी स्क्वायर बाई ए सी इंटू एक्स के पावर में सी स्क्वायर बाई ए बी अब आप देखोगे अगर अगर मेरे को तीनों का बेस सेम करना है तो पहले वाले को ऊपर नीचे से ए से मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे को बी से मल्टीप्लाई करना होगा तीसरे को सी से मल्टीप्लाई करना होगा तो तीनों एक्स के मल्टीप्लीकेशन का बेस हो जा रहा है एबीसी मतलब जो पावर का बेस है वो एबीसी हो गया अब आप ऐड कर दोगे सिंस द बेस इज सेम पावर विल गेट एडेड अपीमेटली मेरा पावर में आ रहा है ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस सी क्यूब बाई एबीसी यह आ रहा है मेरे पावर में एक क्यू प्लस बीक्यूब बाई प्लस सी क्यूब बाई एबीसी अब आपको पता है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी यहां जीरो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी आपको जीरो दिया हुआ है यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री एबीसी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बीक्यूब प्लस सी क्यूब माइनस एबी माइनस बी सी माइनस सी ए तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा आ जाएगा ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी इक्वल्स टू जीरो तो एक् प्लस बीक्यू प्लस सी बी इक्वल्स टू थ्री एबीसी अब यहां पुट कर देंगे तो एबीसी एबीसी विल गेट कैंसल्ड तो क्या बचेगा एक्स क्यूब तो क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा अपना बचेगा एक्स क्यूब ठीक है तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कौन कौन सा सम प्रैक्टिस करना है घर पे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करना है ट्वेंटी एट डेफिनेटली करना है ट्वेंटी सेवन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आप मेरे वाले मेथड से ये अलग कर लीजिएगा ट्वेंटी सिक्स वॉज सिमिलर ट्वेंटी फाइव वॉज गुड सम, फोर वॉज अ गुड सम, रेस्ट ऑल आई फील इज ओके ट्वेंटी वन ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लास थ्री आई गेस वी विल रिक्वायर वन मोर क्लास टू कंप्लीट दिस अप या वी नीड वन मोर क्लास बिकॉज वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन द नेक्स्ट क्लास विल डू थर्टी टू थर्टी सिक्स दैट सेट यह कर लेंगे तो अपना हो जाएगा ठीक है फाइन थैंक यू